केजरीवाल एक नक्सल आदमी है, अर्बन नक्सल जिसे कहते हैं, और वो इसी तरीके से हर जगह गवर्नमेंट चला रहा है। केजरीवाल जी का तो सर सारा काम झूठा है, हर काम यहाँ गली गली में नशे की दुकानें खुलवा खुलवा के यहाँ के दिल्ली का सारे बच्चों को खराब करके रख दिया है। केजरीवाल इस देश के लिए बहुत बड़ी पनौती है। नमस्कार, बात मुद्दे की, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, और मैं हूँ सुरेश झा। पंजाब में जब से आप पार्टी की सरकार बनी है तब से वहाँ पर खालिस्तान समर्थकों की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, जो राज्य के लिए कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि इसको लेके तमाम तरह की बातें भी आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आप पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको नज़रअंदाज कर रखा है और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक खिलवाड़ है, आज हमने इसी मुद्दे पर दिल्ली की जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की, तो सुनिए दिल्ली की जनता क्या कहती है। देश के लिए बिल्कुल बहुत बड़े खतरे की बात है। केजरीवाल एक नक्सल आदमी है, अर्बन नक्सल जिसे कहते हैं, और वो इसी तरीके से हर जगह गवर्नमेंट चला रहा है। हर जगह लोगों को फ्री की रेवड़ियाँ, काम मत करो तो मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी माफ़ कर दूंगा, तुम्हारा यूटिलिटी सारे बिल माफ़ कर दूंगा, तो वो देश को एक दूसरे तरीके से चलाना चाहता है और उसमें खालिस्तानी लोगों की सपोर्ट मांग रहा है, क्योंकि पैसे की फंडिंग कनाडा से होती है, भारत से होती है, वो सारे फंडिंग कर रहे हैं और देश को बिल्कुल गड्ढे में धकेल रहे हैं। अगर केजरीवाल सेंटर में आ गया तो उस देश का बुरा हाल हो जाएगा, इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। सेम कंडीशन है जो स्थिति पैदा हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल इतने ऑफर कैसे दे पा रहे हैं। बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, तो न्याय व्यवस्था क्या देख रही है, क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट देख रहा है? तो ये सरासर एक तरह से रिश्वत देना हो, किसे कहते हैं रिश्वत देना? इससे अच्छा तरीका ही नहीं हो सकता, किसी को भी उसका आदी बना दीजिए। केजरीवाल जी का तो सर सारा काम झूठा है, हर काम यहाँ गली गली में नशे की दुकानें खुलवा खुलवा के यहाँ के दिल्ली का सारे बच्चों को खराब करके रख दिया है, और कहता है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, दिल्ली संभलता नहीं है, और जाके अपना पंजाब गुजरात कहाँ कहाँ जाके हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठ बात है, हर जगह झूठ की राजनीति है। इन लोगों का खाली भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है। अभी जमुना जी में बाढ़ आया था, झूठ मूठ के बोल रहा है कि हमने ये खिलाया वो खिलाया, कुछ नहीं किया, ये सब बीजेपी वालों ने, हम लोगों ने जाके सारे झूठे, और जितने भी काम किए हम बीजेपी वालों ने जाके कंपेयर करके लोगों को घर बैठा के अपना खाना खिलाया लोगों को, हमने वहाँ राहत सामग्री पहुँचाए यहाँ से बीजेपी वालों ने, हैं, और लेकिन केजरीवाल के ये सारे खोखले झूठे वादे रखते हैं और सब झूठ बात बोलता है वो, और उसके वजह से यहाँ दिल्ली के लोग को नर्क बना के रख दिया है और बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को नशेड़ी बना दिया है, तो हमारा देश कहाँ जाएगा? जो बच्चे, हमारी संस्कृति खराब हो रहा है हमारा इंडिया का, तो है वो हम भूलते जा रहे हैं, तो बच्चों को नशेड़ी बना रहा है, अब दारू घर घर फ्री होम डिलीवरी कराया है, इसमें सब केजरीवाल के सारे वादे झूठे हैं, इसलिए अब बीजेपी में बीजेपी की जीत होनी है और MCD में भी बीजेपी ही आएगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि देश की अभी तक की राजनीति में इससे घटिया नेता कोई दूसरा पैदा ना हुआ है और ना होगा। केजरीवाल इस देश के लिए बहुत बड़ी पनौती है और आने वाले समय में इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। मैं सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी पॉलिटिक्स लीडर से नफरत करता हूँ, किसी राजनेता से नफरत करता हूँ, तो केजरीवाल से करता हूँ। इसकी सोच बहुत ही गंदी है जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। कहा तो यहां तक जाता है कि पंजाब में जब से आप पार्टी सरकार बनी है खालिस्तान समर्थकों ने अब एक बार फिर से वहां पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यह भी कहा जाता है कि आप शुरू से ही खालिस्तान के समर्थक रही है और ऐसे में पंजाब में आप पार्टी सरकार बन जाने से एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों की मुबारा हो चुकी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, 90 के हालात बन सकते हैं। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर अपना क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी दिल्ली।